बात देखी अपनी, तुमने मुझे ये बुलाया कहाँ पर है ये बताओ मुझे। सर अच्छा आप समझ रखा है क्या तुमने मुझे, प्रोफेसर की बेटी हूँ मैं। यार पैसा ही सब कुछ नहीं होता ना। बट मैं पैसे वाली हूँ तो मेरे लिए पैसा ही सब कुछ है। ओके हे व्हाट्स अप फैन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में यार प्रोफेसर की बेटी यार मिलने के लिए आ रही है। मैंने सुना यार वो ना बेइज्जती मार देती है, लेकिन आज उसका पाला बड़ा है तुम्हारे भाई से, तो यार हिसाब बराबर होएगा, ढंग से रिवेंज होएगा। आप लोग वीडियो को एंड तक देखो और मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। हेलो पायल। हेलो तुमने कहा देखी अपनी, तुमने मुझे ये बुलाया कहाँ पर है ये बताओ मुझे। इस सर अच्छा आप समझ रखा है क्या तुमने मुझे, प्रोफेसर की बेटी हूँ मैं और बुलाया कहाँ पर। यार स्कूटी बंद कर लो, ऐसे क्यों बोल रही हो। यार व्हाट डू यू मीन कैसे बोल रही हो, देखो तो तुमने मुझे रोड पे बुलाया है। ठीक है मैं तो ये सोची थी कि तुम बहुत डिसेंट हो गए, तुम्हारे पास और मतलब किसी की गाड़ी के पास खड़े हो गए हो आके। यार मैं अभी देखो सैलून से आया हूँ यार, तैयार होके, इसीलिए मेरे को पता है कि तुम प्रोफेसर की बेटी हो। होने से या क्यूट सा फेस बना के आने से क्या आपको लग रहा है किसी भी मतलब और रिच फैमिली की लड़की को पटा लोगे। मैं थोड़ा पास में रहती हूँ इसलिए मैं स्कूटी से आगे बना, मैं भी ऑडी से ही आती जाती हूँ हर जगह। ओके बट मेरा घर पास में इसलिए मैंने कहा चलो चल के देखते हैं। नहीं यार मेरे पास ना तो कोई ऑडी है, इवन की मेरे पास तो अभी बाइक भी नहीं है यार। तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुमने मुझे बुलाया क्यों, मतलब मुझे पागल समझ रखा है तुमने। यार भड़क क्यों रही हो। यार क्यों ना भड़कू, मैं इतनी मतलब चलकर आई हूँ, स्कूटी से चलकर आई हूँ ये सोच के कि चलो कुछ अच्छा दिखने को मिलेगा, पर टाइम बुलाया कहाँ पर है ना किसी क्लब में ना रेस्टोरेंट। अरे मेरी बात सुनो यार, अभी मेरा ना थोड़ा वक्त सही नहीं चल रहा, जब मेरा वक्त अच्छा आएगा ना। वक्त नहीं चल रहा तो अपने वक्त के अकॉर्डिंग ही लड़की ढूंढो। ओके हमारे जैसों के साथ मत सोचो कुछ भी करने के लिए, अपने टाइप की ढूंढो जो आपके लेवल की हो। मतलब किसी सोच रहे हो कि किसी प्रोफेसर की लड़की से आप मतलब अपना सेटअप करने की सोच रहे हो, वो नहीं होगा। मतलब सोचो तो सही आप कर क्या रहे हो, कि आपको पता है आपका बैकग्राउंड क्या है और मेरा क्या है, उसके अकॉर्डिंग सोच के मुझे बुलाते। बुलाया कहाँ है, धूप में रोड पे खड़े होने के लिए बुलाया आपने। यार पैसा ही सब कुछ नहीं होता ना। बट मैं पैसे वाली हूँ तो मेरे लिए पैसा ही सब कुछ है। ओके यार मेरी बात तो सुनो। अब मैं क्या सुनूं आपकी, या धूप में खड़ो के मैं आपकी बात सुनूं, इतना भी शर्म नहीं है ना पानी ना कुछ, मतलब कुछ नहीं, रोड पे बुला लिया बात सुनने के लिए, कौन आता है ऐसे। यार देखो मैंने तुम्हें यहाँ तो इसलिए बुलाया है कि अगर कहीं मैं तुम्हें दूसरी जगह बुलाता और मेरा कोई फ्रेंड साथ में होता तो मैं। ये आप मुझे कह रहे हो, मुझे ये कहना चाहिए कि थैंक गॉड मैं किसी अपनी फ्रेंड को लेकर नहीं आई, नहीं तो मेरी तो इंसल्ट हो जाती। कि मैं ये सोच के आई थी कि चलो गाड़ी वाड़ी होगी, मैं स्कूटी खड़ी करके उसमें बैठ के हम लोग कहीं घूमने जाएंगे, वो कुछ भी नहीं। आपके पास कुछ है ही नहीं, आपके औकात ही नहीं है। यार अब औकात की बात तो मत करो, कम से कम किसी इंसान का ऐसे बोलना ठीक नहीं होता यार। मिलना नहीं मिलना, उसके साथ रहना, वो एक अलग बात है। बड़ी बड़ी बातें ना, इससे कुछ नहीं होता। ठीक है हर चीज में पैसा इंपॉर्टेंट होता है, सिंपल सी बात है। तुम्हारे पास नहीं है तो इट्स ओके, बट अपने लेवल की लड़की अब ढूंढो, मेरे साथ मत सोचो। इसका मतलब ये है कि अगर टाइम वेस्ट मत करो, पैसा नहीं होगा तो तुम किसी से बात भी नहीं करोगी। मुझे अपने टाइप का चाहिए, क्योंकि मैं खुद एक रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। यार इतना घमंड किस बात का है। पैसे का है क्योंकि मेरे पापा, लेकिन यार मेरे पास बहुत पैसा है। लेकिन पैसा हर टाइम ना टिकता नहीं है, ये हमेशा चलता रहता है। देखो ये बात है ना, मेरी समझ में तो आती नहीं है। ठीक है टिके ना टिके वो मुझे नहीं पता, बट मैं मुझे इतना पता है कि हाँ मैं एक रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरा और आपका कोई मैच नहीं है, बस समझे। आप कुछ नहीं हो सकता आपका, ओके टाइम पास मत करो मेरे। यार एक बात बताओ यार, हर टाइम पे यार तुम अमीर लड़कियों के बीच में पैसा ही क्यों आ जाता है यार इंसान के। तुम लोग अपनी औकात से बाहर जाके क्यों सोचते हो, तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता, तुम लोग होते छोटे हो और सपने इतने बड़े बड़े देखते हो। छोटे मतलब तुम छोटा बड़ा समझती हो। बिल्कुल, जिनके पास पैसा नहीं होता ना वो छोटे ही होते हैं। ओके क्योंकि हमारे पास है तो हमारे पापा ने हमें यही सिखाया कि हम लोग बड़े हैं। अच्छा जी हाँ, ज्यादा बड़े सपने मत देखा करो, जो सपने पूरे ही नहीं हो सकते। और लड़कियों को फंसाने की कोशिश तो मत क्या करो कि किसी की भी गाड़ी के पास आके खड़े हो जाओगे इम्प्रेस करने के लिए और वो तुम्हारा हो जाएगा। इतना टाइम वेस्ट किया है ना मैंने, शिट क्या बोलूं मैं। यार तुमने सही बोला यार, कुछ नहीं हो सकता। बस इतना ही कहूंगी कि प्लीज ज्यादा बड़े सपने मत देखो, अपने लेवल के ही सोचा करो। ओके नहीं औकात है तो मत किया करो। ठीक है यार। क्यों क्या हुआ? सॉरी यार मैंने तुम्हें गलत जज किया, सॉरी। यार मुझे लगता है तुमने मुझे गलत जज नहीं किया। नहीं मैंने
सॉरी यार, सॉरी बट मैंने तुम्हें गलत, पता क्या होता है तुम यार पैसे वाले लोग हो, तुम्हें छोटा बड़ा गरीब अमीर तुम सिर्फ पता किस चीज से जज करते हो, किस चीज से, उसके कपड़े से, उसके चलने से, उसके बोलने से। कभी ना, मैं मतलब कभी ऐसा नहीं करूंगी आपके साथ, कि मैं किसी के साथ भी ऐसा नहीं करूंगी। सच में? सॉरी, सच में। यार बहुत बढ़िया सुन के लगा मुझे तुम्हारे मुंह से ये कि अब तुम ये मेरे साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ भी नहीं करोगी, क्योंकि बड़ा इंसान बनने के लिए पैसे नहीं बड़ा दिल चाहिए। सॉरी ना। और ना मुझे तुम्हारे ऐसी लड़कियों को मुंह लगाने की आदत नहीं है।